श्री राम भाई हरी जी मकरिया जी, ही इज स्पीकिंग, आएगा चेयरमैन विल डिसाइड। सभापति जी, मेरे को बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। गुरु को अवगत कराता हूँ, ये जो माननीय निर्मला सीतारमण जी के बजट का समर्थन करता हूँ। वर्तमान सरकार में अंतिम बजट और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के वाला ये बजट है। हमारे देश की आज़ादी की शताब्दी की दिशा निर्धारित करने वाला ये बजट है। माननीय सभापति, जो बात उन्होंने जो मोदी साहब ने 2014 में बात कही थी, वो काम अभी हो रहा है। प्रत्येक योजना में गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति है, और मोदी जी विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बना रहे हैं। मोदी जी ने अपने शासनकाल में शुरू में गरीबों को जीरो बजट से खाता खोलने के, बैंक से जोड़ने का काम किया, और आज DBT के माध्यम से करीब 34 लाख करोड़ रुपये गरीबों के बैंक के बैलेंस में बना है। मोदी जी की प्रत्येक योजनाओं के लाभार्थी गरीब हो, और गरीब का सपना उनका संकल्प बनता है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार तत्पर रहती है। ये मोदी सरकार के अगुवाई में जो नेता सीतारामन जी ने जो बजट पेश किया, इसका हम समर्थन करते हैं। देश भर में 15 नवंबर से विकसित भारत यात्रा प्रत्येक गांव में जा रही है। वो लाभार्थी को जो मिलते हैं, योजनाओं का महत्व समझते हैं और थैंक यू योजना से लाभान्वित करते हैं। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ, विकसित भारत संकल्प यात्रा आज तक 19 करोड़ लोगों को मिल चुकी है। सर्वत्र लोग उत्साह भेर खुशी से रथ को वेलकम कर रहे हैं। मोदी गारंटी का प्रभाव जनमानस पर चल पड़ा है। अभी आप जो दोपहर को बोल रहे थे मोदी की गारंटी, वो गारंटी आपको 2024 में पता चलेगा क्या है। अभी कौन सा शायद 40 में से 20 हो जाएंगे या तो 400 पार हो जाएंगे, वो सब आपको पता है। इसलिए आप बोल रहे हैं कि अंतरिम बजट नहीं है, ये अंतरिम बजट है, अंतिम नहीं है, और 5 साल भी बजट देने वाले हम। माननीय सभापति, जनमानस पर मोदी जी के लिए गरीबों का बेली, गरीबों का मसीहा होने का छवि स्थापित हो चुकी है। इसे कोई मिटा नहीं सकते है। कोरोना काल से आज तक 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचाना, और आने वाले 5 वर्ष तक जो आज ही डिक्लेयर हुआ तक पहुंचाने का उनका आयोजन है। प्रत्येक राशन धारक को सस्ता राशन मिलना है, और वन नेशन वन राशन बहुत आवकारदायक कानून है। सभापति जी, आयुष्मान कार्ड प्रत्येक गरीब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भारत भर के प्रत्येक गरीब को ATM की तुलना से, जैसे ATM में हम पैसा निकाल सकते हैं, वैसा ATM ही तो आयुष्मान कार्ड रख के निश्चित हो गए हैं। मोदी ये भरोसा रख के घूमता है, जीवन जीना है। माननीय सभापति जी, अपना घर हर एक व्यक्ति को अपना सपना होता है, मगर अपनी गरीबाई की वजह से जिंदगी भर अपना आवास नहीं बना सकता था, किंतु आज देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को अपना आवास देकर सारी मुश्किलों दूर कर दिए। करीबन 4 करोड़ आवास योजनाओं बना के गरीब लोगों को दिया है। माननीय सभापति जी, हम सब जानते हैं, गरीब एक खेत मजदूर के रूप में बरसों से जमींदारों के पास काम करता था और मजबूरी से, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी के PM सम्मान निधि बहुत सालाना 6,000 रुपये का किसानों को जो बेनिफिट दे रहे हैं, उसके हिसाब से सारी मुश्किलें दूर हो रही है। गरीब किसान सम्मान से अपनी खेती कर रहा है, साथों साथ बैंक से लोन ले रहे हैं, FPO से भी जुड़ रहा है। पहले कोई युवा लोगों को रोजगारी नहीं दे रहे थे कांग्रेस की सरकार में, अभी युवाओं को ढूंढ ढूंढ के मोदी सरकार के माध्यम से बिना गारंटी घर घर जाके उसको लोन देते हैं, बिना ब्याज की लोन देते हैं, स्ट्रीट वेंडर को लोन देते हैं। ये सब मोदी है तो मुमकिन है, इसके पहले क्या था सब आप जानते हैं। गरीब के लिए PM स्वनिधि के अधिकतम उपयोग है, इस निधि से खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। कई गरीब आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
माननीय सभापति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के दृष्टि से प्रत्येक गांव भौतिक सुविधा मुक्त हो रहे हैं, प्रत्येक गांव सड़क से जुड़े जा रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट शहरों में पहुंचा के लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। माननीय सभापति जी, लास्ट 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। इतना जरूर कहूँगा, जिस सदन में हम सब बैठे हैं वो ऐतिहासिक सदन भी मोदी जी ने की सरकार, मोदी सरकार की देन है। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मेरा विनंती है, हम सब सभ्य ये जो मेंबर है सब राज्यसभा में वाद विवाद छोड़ के और आगे की बात भूल के मोदी जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा में सब हम जुट जाए, देश के लिए काम करें, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए निर्धार करें और साथ में मिलके काम करें। आप फिगर में मत पड़िए, फिकर ये रखो कि हमारे देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर आप हमारा साथ देंगे, सरकार सहकार देंगे, तो पार्टी के पॉलिटिक्स के ऊपर जाके आपको प्रजा भी आपको साथ देंगी, वरना क्या होगा, कम 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 हो जाएंगे, फिर हम अकेले रहेंगे तो आप भी कहाँ विरोध करने के लिए सड़क पर जाएंगे। बेस्ट ये है कि मोदी को सहकार दो, ये जो गरीबी हटा रहे, देश को आगे ले जा रहे हैं, विश्व में बड़ा नाम हो रहा है, तो इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। वो सबका सहयोग है, सबका साथ है, तो सबका विकास है। धन्यवाद। श्रीमती गीता अलियास चंद्रप्रभा एब्सेंट, श्री दीपक प्रकाश एब्सेंट, श्री आदित्य प्रसाद, श्री विप्लव